पर फास्ट सर्विस है अपनी, 30 मिनट में कंप्लीट हो गया ऑर्डर। जी सर प्लीज आगे जाके भी दिखाओ इधर, ये देखो पूरी मार्केट बंद है, तो भाई ऑर्डर कहाँ से आएगा जब मार्केट ही बंद है। तो ये देखो पूरी की पूरी मार्केट ही बंद है, वो कई बार खड़ा नहीं होने देते ना, इसलिए मैं उधर ही रुक गया था। मैंने कहा आने तो भाई बाहर मार्केट में काम नहीं है, और यहाँ देखो जाम नहीं, ये भाई किस कदर जाम है देख रहे हो भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम आफ्ताब, स्वागत है आपका नई वीडियो में स्वागत है आपका नई वीडियो में। भाई स्टार्टिंग से ही मजे लेने शुरू कर दिए मैंने। भाई देखो निकल चुका हूँ पोर्टर को ऑनलाइन करके, निकला हूँ बहुत लेट। क्या टाइम हो रहा है, 11:53, लगभग 11:40 पे घर से निकला हूँ। भाई मन ही नहीं कर रहा काम करने का, क्योंकि यार पॉइंट ही नहीं मिल रहा है यार पोर्टर में, पता नहीं क्या हो गया। तो यार एक वो पॉइंट वाला मन अलग होता है कि जल्दी निकल, सुबह 8 बजे निकल, सुबह 9 बजे निकल, अरे पॉइंट मिल नहीं रहा है। ऑर्डर करने का भी इसलिए ज़्यादा मन नहीं कर रहा है। फिर जैसे तैसे मैंने कहा चलो ये हफ्ता तो निकालो, उसके बाद देखेंगे। भाई पोर्टर की तरफ से नोटिफिकेशन आ रखी है कि 2-4 दिन तक भैया ऐसे ही रहेगा, रोना धोना। मैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम भी नहीं करेंगे इतना काम। तो भाई आ चुका हूँ अपनी देवली रोड पे और जा रहा हूँ अपने अड्डे पे TVS शोरूम के पास में। बाकी किलोमीटर की बात करूँ तो भाई 25,273 किलोमीटर चली हुई, तो देखेंगे भाई अर्निंग आज कितनी होगी और कैसे ऑर्डर आएंगे, क्या नहीं आएंगे, सब देखने को मिलेगा। फटाफट वहाँ पर जाकर बैठते अपने अड्डे पे। किधर जा रहे हो? नांगलोई से लिया है मॉर्निंग में ऑर्डर, वाह ऑर्डर का वेट कर रहे थे। मैं तो यहाँ बैठता हूँ, ये ठिकाना अपना स्टार्टिंग का। छाया है ना इधर, बाकी पूरी रोड पे धूप है। भाई भाई मिल गए, अपनी वीडियो चला रखी है भाई ने, भाई इतना प्यार देखो। बाकी यहाँ पर आके बैठ गए यार, इधर गाड़ियाँ खड़ी है ना, तो आज हो सकता है थोड़ी दिक्कत आए। भाई वेट करते हैं ऑर्डर आने का, मैंने तो इधर ऑटो क्लिकर लगा रखा है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो भाई 1:42 हो गया मुझे देवली रोड पर बैठे बैठे, भाई कोई ऑर्डर नहीं आया अपने पास में। एक ऑर्डर आ भी रहा था 96 रुपये का साकेत का। भाई मैंने ना सारी उंगली हाथ पैर जितने कोशिश हो सकती थी सब टच कर लिया ऑर्डर पर, बस्तरा यहाँ तक गया और समवन हो गया, मतलब ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं हुआ। और बाद में बार बार मैं ऐप को चेक कर रहा था, दिखा रहा नो इंटरनेट कनेक्शन। फिर मैंने मोबाइल को रिस्टार्ट वगैरह करा, तब जाके तो अभी अर्निंग वाले सेक्शन में लॉगिन हावर्स दिखा रहा, नहीं तो ये भी नहीं दिखा रहा था। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यार बहुत देर हो गई, देवली रोड को बहुत टाइम दे दिया है, नहीं बज रहा था, अब यहाँ से निकल लो। मुझे लगता है पोर्टर भी आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती मना रहा है, ऑर्डर वॉर्डर नहीं है, सब बस सब गांधी जी के बर्थडे में चले गए शायद, मेरे को लग रहा है। क्या बोला तूने? शाम आम की पार्टी कहीं हो तो मुझे भी बता दो, मैं भी आ जाता हूँ, है ना भाई। मैं भी एक छोटा सा केक गांधी जी के नाम का लेके आ जाऊँगा, और भाई खाने में चाहिए भरपूर खाना पेट भर के, क्योंकि भूख भी लगने लगी, लंच का जुगाड़ करवाओ कहीं से। बाकी चलते हैं यार सिलेक्ट सिटी की साइड जा रहा हूँ, रास्ते में कुछ बच गया तो अच्छी बात, नहीं तो सिलेक्ट सिटी जाएंगे। भाई घूमते घूमते आ चुका हूँ सिलेक्ट सिटी मॉल पर। यार मैं कहीं भी जाऊँगा इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से, हमारा ऐप ही काम नहीं कर रहा है। देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, फिर अभी मैंने ट्राई किया था अर्निंग पे क्लिक करने का, तो भाई नो इंटरनेट कनेक्शन, और ये गोल 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 घूमे ही जा रहा है, घूमे ही जा रहा है, इसको चक्कर आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ये देखो भाई, ये देखो भाई इसकी, देख लो भाई ऐसे परेशान हो रहा है, मतलब कमी ऐप के अंदर है परेशान, हम जैसे राइडर हो रहे हैं, हमें लगता है ऑर्डर नहीं आ रहा है। अब मैं बताऊँ यार ऐसे कितने किलोमीटर तक घूमो जाऊँगा, जब ऐप ही नहीं चल रहा तो भाई ऑर्डर आएंगे कहाँ से, और हमें ये टेंशन रहेगी कि यार ऐप नहीं चल रहा है। बात ख़त्म, बैठते यार देखते कब ऐप चलेगा नहीं चलेगा। यार दिमाग ख़राब हो रखा, एक दिन ढंग से ऐप चला नहीं, दूसरे दिन फिर इसकी अम्मा बहन एक हो गई। अरे यार करे तो करे क्या, लोग कहते हैं बाइक टैक्सी कर लो, अरे भैया नहीं है हमारा भी वक्त नहीं है बाइक टैक्सी करने का, ना ही मन है ना उसमें कोई मजा है, रेट उसका भी कम है और बाइक की ऐसी की तैसी हो जाती है बाइक टैक्सी में। मैं जब बाइक टैक्सी करना नहीं है, यहाँ बैठ जाता हूँ भाई मैं छाया में, चलेगा तो ठीक, नहीं तो अपनी ऐसी की तैसी कराओ, यहाँ हवा लेते हैं बढ़िया मस्त वाली। ये लग गई स्टैंड पे और वेट करो ऐप चलने का। A few moments later. तो भाई जैसे ही साकेत सिलेक्ट सिटी मॉल आया, ऑर्डर अपने पास में आ गया है, चलो शुक्र करो आ तो गया है, 130 रुपये का, और लेके जाना है South X1। तो भाई कॉल करते हैं और पार्सल को करते हैं पिकअप, वो कई बार खड़ा नहीं होने देते ना, इसलिए मैं उधर ही रुक गया था। मैंने कहा आने तो पेमेंट इसकी वहीं पर होगी जहाँ जा रहा है, चलो ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। भाई पार्सल हो चुका है पिकअप, इसे बांधू या क्या करूँ, अरे ऐसे ही रखा रहने दो। ड्रॉप डिस्टेंस दिखाता हूँ आपको कितना दिखा रहा है, वैसे कितना भी दिखाया मैं शॉर्टकट से निकल जाऊँगा अंदर से, क्योंकि मैं नहीं जाने वाला बाहर से,
8 किलोमीटर दिखा रहा है, पर मैं जाऊंगा नहीं, मैं यहाँ से निकलूंगा अंदर अंदर और ख़त्म कहानी। चलो भाई चलते हैं, करते हैं इसको डिलीवर। मैं जा ही नहीं रहा बाहर से, बाहर से जाके पेट्रोल थोड़ी ना फूकना मेरे को ज़्यादा। मैं अंदर से निकलूंगा मालवीय नगर से होते हुए। रूट दिखा रहा है नहीं दिखा रहा मालवीय नगर से? मैं बाहर से जाऊँ अंदर से जाऊँ समझ नहीं आ रहा यार। मैं बाहर से चल रहा है 8 किलोमीटर 17 मिनट, अरे सॉरी 17 मिनट लगेगी, धक्का तो हट नहीं बचा रहा मैं किलोमीटर विलोमीटर। चलते भाई कंप्लीट करते हैं इसको बिना टाइम वेस्ट किए। कहाँ है हमारा चड्डी बड्डी यार है बेकार, ठोक दू ला के है ठोक दू। अरे भाई 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 वो खाना ले गया मेरे लिए। अरे भाई दोस्त हो तो ऐसा लाओ, इधर बैग में दे दो खाना खाना दे दो, ये जोमेटो का कैंसिल कर दो, अभी कह दो एक्सीडेंट हो गया। भाई देखो ये रही ना पुरानी, नहीं तो वही है। अरे भाई गिफ्ट में आईफोन, देखो भाई चमक, ये जलती है लाइट, लाइट जलती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। मैं भी लूंगा भाई, देखो भाई ने तो ले लिया, जोमेटो वाले आईफोन ले रहा है, पोटर वाले ये एंड्रॉइड चला रहे। ये लो भैया इसे सही से पकड़ो, गिर गया ना तो भाई मैं नहीं दूंगा, इंश्योरेंस है इसका नहीं भाई पहुंच गया हूँ लोकेशन पर और मेरे को ढूंढना है ये रहा भाई, यहाँ पर देना है। पेमेंट करा ली है कस्टमर से ऑनलाइन, मैंने सोचा क्या ही लेना है क्योंकि हमारे वॉलेट में भी माइनस पड़े थे पैसे, तो एडजस्ट हो जाएंगे भाई। 5 स्टार के साथ में मैंने किया पहला ऑर्डर कंप्लीट और 8 किलोमीटर के कमीशन कटने के बाद 104 रुपये मुझे मिले, बहुत बढ़िया। और गर्मी बहुत ज़्यादा, ये ऐसी छुई भी नहीं जा रही है। बाकी भाई साउथ टेक से आ गए तो कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं, बस वेट करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट ऑर्डर आने का, क्योंकि ऑर्डर यहाँ पर आएगा बहुत ही जल्दी। अभी 1:57 हो गया टोटल टाइम, अगर मैं आपको बताऊँ तो ये बताने देगा तभी तो, 2.5 घंटे में टोटल हो गया, 2.5 घंटे के अंदर 104 रुपये का काम हुआ है भाई। देखो खुल गया पोर्टर, देखो कुछ करा ही नहीं मैंने, आपके सामने बजेगा ये ले ले, साउथ एक्स वन से ही बज रहा है, देखो ए आ जा, ये देखो आ गया आपके सामने। अबे वन, अबे कहाँ है भाई, ये उधर दिखा रहा है वन, अच्छा टू का है। अबे देखो साउथ एक्स वन पिकअप दिखा रहा था, अब एक्सेप्ट करा तो टू हो गया, देख रहा गद्दारी कर दी इसने, अब रोड के उस पार जाना पड़ेगा लेने। चलो कोई नहीं चलते यार इस ऑर्डर को पिकअप करने और फिर लेकर चलते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ था आनंद विहार। चलो ये भी ऑनलाइन ट्रिप है 236 रुपये की, इसमें भी कोई पैसा वैसा नहीं लेना। चलो देखा आपके सामने ऑर्डर आया भाई, देखो ऑर्डर अब आएंगी, रेल पेल बना दूंगा मैं ऑर्डर की, तुम देखते रहना बस, अब देखो तुम काम कैसे करूंगा मैं। चलो भैया भाई पहुंच गए हाउस ऑफ राइस, रशियंस राइसंस है भाई ये देखो भाई देख लो, अभी बाद में पोर्टर सर आनंद विहार के लिए आफ्ताब किंग वन के नाम से, आफ्ताब किंग वन, किंग वन, थैंक यू सर। भाई पार्सल हो चुका है अपना पिकअप, ये देखो भाई अंदर आज तो वीडियो बिल्कुल भी वो नहीं हो रही थी, होती ना ब्लिंक 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 होती है वो बिल्कुल नहीं हो रही थी, बहुत अच्छी लाइटें लगी हुई है। बाकी ये देखो ये लेके जाना है तो लेकर चलते भाई, स्टार्ट कर दिया मैंने ट्रिप, डिस्टेंस आपको दिखा देता हूँ कितना दिखा रहा है, समझ में आ रही है आपको बात, में इतनी जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, स्लो बोल दूंगा अगर समझ में नहीं आएगी तो। भाई 21 किलोमीटर के 31 मिनट दिखा रहा भाई, पूरा ग्रीन है, ये देखो भाई जाम है ही नहीं रोड पे यार, ये आएगा ना मजा भाई, इसको करता हूँ कंप्लीट, भाग के दौड़ के लपक के चलो भाई चलते हैं। और आज तो रेल बना दूंगा भाई, अबे 30 मिनट हो गई वो बढ़ गई भाई, चलो जो भी है भाई इसको करते हैं फटाफट कंप्लीट 21 किलोमीटर और अब आएगा मजा। ऑर्डर कितने का था भाई, 21 किलोमीटर भेज रहा है मेरे को, अच्छा 236 का ऑर्डर 21 किलोमीटर, ये तो यार थोड़ा सा घाटा हो रहा है, देखो कुछ बचत वचत का कुछ हो रहा कि नहीं हो रहा भाई, कोई बचत वचत नहीं होगी, कोई रॉन्ग साइड पंगा कुछ नहीं है। अरे चलो यार 21 एक ऑर्डर पे भले ही कम बच रहा है, नहीं बच रहा मत बचो, चलते हैं भाई करते हैं इस ऑर्डर को कंप्लीट भाई पूरी सुपर फास्ट सर्विस से। पहुंच गया हूँ लोकेशन पर, देखो अरे मैं कह रहा ये कहाँ जा रहा है मैप, ये देखो भाई ये हो गई लोकेशन ख़त्म, ये अब ये तो ये वाला घर हो सकता है, ये वाला हो सकता है, फ़ोन कर लेते एक बार। इस ऑर्डर को लेकर जा रहा है हम 3rd फ्लोर पर लिफ्ट से, देखो चलो अच्छा हुआ लिफ्ट मिल गई 3rd फ्लोर पे, नहीं तो सीढ़ी से जाना पड़ता और हमारे कस्टमर बिल्कुल गेट पे खड़े होंगे। आई थिंक ऐसा लग रहा है मुझे कि बस ऐसे ही लिफ्ट से उन्हें बाहर पकड़ाऊंगा और वापस लिफ्ट से उतरूंगा भी नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं है, पर फास्ट सर्विस है अपनी, 30 मिनट में कंप्लीट हो गया ऑर्डर। हाँ जी जी सर लीजिए, ठीक है, थैंक यू, रेटिंग कर देना सर उस पर,
ये भाई जीरो दबाओ, इसे कंप्लीट कर देता हूँ भाई 5 स्टार के साथ में। डन 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 डन, ये देखो भाई कंप्लीट हो गया ऑर्डर भाई। 21 किलोमीटर के 188 मिले भाई, गलती हमारी 21 किलोमीटर से आए, नहीं तो 19 किलोमीटर का रूट भी था, पर मैंने टाइम बचाया आज, मैंने कहा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। तो टोटल अर्निंग हो गई है अपनी 292 रुपये, 2 ऑर्डर हमारे हो चुके हैं भाई सब कंप्लीट। वेट करते हैं, यहाँ पर मौसम तो अच्छा है, छाया भी है, तो बाहर जाकर वेट करते हैं, देखते हैं भाई नेक्स्ट ऑर्डर कहाँ का आता है और कितने का आता है। टाइम हो गया हमें 3 घंटे 8 मिनट, अर्निंग हो गई है 292, तो बस वही है 2-4 ऑर्डर बड़े बड़े और पकड़ा दो तो भाई मज़े ही आ जाएंगे अपने। 127 में जाना, आगे से गेट है भाई, यार ऐसे घुमा रखा है इस ऑर्डर ने, कभी इधर से गेट है कभी उधर से गेट है भाई। बताओ ऑर्डर कितने का बजा मेरे पास में, 94 रुपये का ऑर्डर बजा है, और पहले मैं उधर पहुँच गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर उधर से उन्होंने भेजा गेट नंबर 1, मैं उधर से लगाया, फिर मैंने देखा मैप पे इधर है तो फिर इधर जा रहा हूँ भाई। छोटा सा ही ऑर्डर पकड़ लिया, और यहाँ पर दो भाई मिल गए थे अपने भाई, मैं खाना खा रहा था यहाँ पे, दो भाई मिल गए थे, वीडियो देखते थे भाई, बहुत अच्छा लगा मिलके, पर कैमरा ऑन नहीं था उस टाइम पे क्योंकि हेलमेट से उतार रखा था। बाकी इस ऑर्डर को पिकअप करते हैं फिर लेकर चलते हैं भाई। भाई कस्टमर तो कॉल नहीं उठा रहे, पर उन्होंने किसी को बता दिया है तो ऑर्डर हो चुका है पिकअप। हाँ लक्ष्मी नगर यहाँ पे पास में, हाँ हाँ भाई 4.6 किलोमीटर दिखा रहा है, 10 मिनट लगेंगे ड्रॉप करने में, इसमें देखो टाइम बहुत कम लगेगा। अबे स्टार्ट, ये देखो बस इसलिए ले लिया मैंने भाई, काम वाम नहीं है, लो छोटे मोटे ऑर्डर जो भी मिल रहा है लो और कंप्लीट करो भाई। अब जा रहा हूँ मैं इसको ड्रॉप करने, 10-12 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। ये देखो भाई खाना लेके जा रहा हूँ मैं, पर ये खाना ऐसा लग रहा है जैसे ऑर्डर वाला खाना हो, यहाँ क्लाउड व्लाउड की चन कुछ खुली हो, ऐसा कुछ लग रहा था भाई। हमें क्या, हमें तो भाई डिलीवरी से मतलब, चलते हैं करते हैं इसको डिलीवर। ये पहुँच गया हूँ ड्रॉप लोकेशन पर, यहाँ देखो पूरे में शांति है, मतलब यार सारी दुकानें मार्केट आज बंद है यार, गांधी जयंती की छुट्टी। यहाँ पर कोई नेटवर्क करके है, ये आ गया भाई लोकेशन पे, फ़ोन कर लेता हूँ, नेटवर्क करके कुछ नाम है, पहुँच गया भाई लोकेशन पर। अच्छा उन्होंने कोई क्लाउड किचन खोल रखा है क्या, जहाँ से मंगाया है या घर से ही आया? नहीं वो बिल बिल लगा हुआ है ना। ठीक है जी भाई, कंप्लीट हो गया ये ऑर्डर 5 स्टार के साथ में, डन, ओके थैंक यू सर। ये देखो भाई छोटा सा ऑर्डर था, कस्टमर कह रहे हैं अरे आप ऑर्डर बुक किया था आपने कॉल भी नहीं उठाया, मैंने भाई डिलीवर हो गया ऑर्डर, इतनी फास्ट सर्विस है मेरी। कह रहे डिलीवर हो गया, मैंने बोला हाँ, वो बोले अच्छा, मैंने कहा हाँ जी। चलो भाई बहुत कई बार हो जाता है कस्टमर शॉक हो जाते हैं, मतलब इतनी फास्ट डिलीवरी कौन करता है, अब भाई अब तक किंग करता है इतनी फास्ट डिलीवरी, सुपर फास्ट। मेरा बस चले था ना, मैं तो उड़ के दे दूँ ऑर्डर, इधर से उठाया और उधर फटाफट फेंक दूँ। चलो भाई 3 ऑर्डर हो गए, 4 घंटे लॉगिन में मेरा 368 रुपये का काम हुआ है भाई, काम देख लो तुम मेरा काम, बाकी सारा काम छोड़ो तुम मेरा काम देखो। नहीं छोड़ो कोई बात नहीं भाई, वेट करते हैं, ऐसी तरीके से अगर ऑर्डर देता रहा तो मजा आ जाएगा भाई, बस सारी दुनिया ठीक हो जाएगी, ऐप ठीक नहीं होगा पोर्टर का मुझे लग रहा है इस जन्म में। ये देखो क्या लिखा हुआ रहा है, नो इंटरनेट कनेक्शन भाई, सब यूट्यूब सब चल रहा है, सब कुछ चला रहा हूँ, अब पोर्टर का ऐप ही नहीं चल रहा। देखो भाई क्या कर दिया भाई, ये कब ठीक होगा, आधा दिन तो हमारा ऐसे ही खराब हो जाता है यार, इसको चेक करने कब ठीक होगा कब ठीक होगा, यार इसने अलग दिमाग खा रखा यार। अभी लक्ष्मी नगर में भटक रहा हूँ, घंटा भर हो गया ऐसे ही घूमते यार, हो ही नहीं रहा कुछ, ये ही नहीं चल रहा है अभी, बताओ तो ऑर्डर कहाँ से आएगा। अब मैं सोच रहा हूँ ऑर्डर नहीं आ रहा, बीच में चेक करता हूँ तो ये नहीं चल रहा, देखो ये नहीं चल रहा, नो इंटरनेट दिखा रहा, अगर इंटरनेट नहीं है तो भाई यूट्यूब के तुम्हारा फूफा चला रहा है, ये देखियो यूट्यूब चल रहा है, ये क्या इनका फूफा चला रहा है, वो ऐप के चक्कर में ही नो इंटरनेट कनेक्शन दिखा रहा है। देखो या अर्निंग पे क्लिक करता हूँ तब दिखाता है, देखो नहीं दिखा रहा ना, यू टर्न लेके प्रीतिवार बैठूंगा और क्या, घंटा चलने दो इसे, अभी ठुक जाती है आगे वाले की बाइक। भाई इधर देखो पूरी लक्ष्मी नगर की मार्केट, ये देखो पूरी बंद है, ये दिख रही है पूरी बंद है, सूपड़ा साफ एकदम एक तरीके से, आगे जाके भी दिखाऊँ इधर, ये देखो पूरी मार्केट बंद है, तो भाई ऑर्डर कहाँ से आएगा जब मार्केट ही बंद है। तो ये देखो पूरी की पूरी मार्केट ही बंद है, तो हम क्या गांधी जयंती बनाना है यहाँ पर है भाई, जब यहाँ मार्केट ही बंद है। आपके पास कैश पेमेंट है? नहीं भैया कैश नहीं होगा यार, कैश क्या, यहाँ तो ऑनलाइन कुछ भी नहीं है, कैसे भी पेमेंट नहीं है। पैसा ही नहीं है, काम हो नहीं रहा, कहाँ से आएगा पैसा। ये देखो भाई बाहर निकल गया अब मैं, अब यहाँ से घूम जाता हूँ, इधर सब बंद पड़ा है यार, सब कुछ बंद पड़ा है, बस खर्चा होगा पैसा अगर तुम्हारे पास है तो, और कुछ नहीं है, पर वही है अंधे, वो क्या बोलते हैं अंधेरे में तीर मारा है क्या। ये बैठ जाओ भाई, यहाँ छाया अच्छी दिख रही थोड़ी सी, यहाँ बैठो और इंतज़ार करो, कोई भूला भटका ऑर्डर आएगा तो कर लेंगे भाई। इधर कैब वाले भाई मिल गए थे अपने,
हमारी वीडियो देखते थे फेसबुक पे, इनके साथ में एक डेढ़ घंटा मैंने यहीं पे टाइम पास करा, ऑर्डर नहीं बज रहा था भाई। तुम्हारी कसम तुकल का बात का ऑर्डर आया 250 रुपए का भाई, जी जान लगा दिया मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट करने के चक्कर में, साला ऑर्डर ही एक्सेप्ट नहीं हुआ भाई मेरा ना, इतना गुस्सा। ये देखो बैठे हुए दो बंदे इधर भाई, इतना गुस्सा आ रहा है क्योंकि भाई तुकल का बात का ऑर्डर मारता सीधा घर निकल जाता, निकल तो अब भी घर ही रहा हूँ यार, क्या करूँ यार, 5 बज गए पूरी मार्केट बंद है यार, किसके भरोसे रुका रहूँ मैं, अब काम किसके भरोसे करूँ जब मार्केट ही पूरी बंद है हर जगह की। भाई ये 3 ऑर्डर भी पता नहीं जैसे तैसे लग गए, पर ये पता नहीं यहाँ आ गया, यहाँ से फंस गया यार, तो सब खोला का मैंने, देखो ये रहा एक भाई वो बैठे, पूरी मार्केट पे कब्जा है राइडर होगा, पर क्या करे भाई किसी बज ही नहीं रहा, एक बजा वही कोई और ले गया, जा रहा हूँ घर थोड़ी देर लाजपत नगर बैठ के देखूंगा, क्या पता कोई घरेलू बुकिंग आ जाए, जब कोई सामान वामान भेजता है कोई घर से घर वाला, साड़ी रुपट्टा पुपट्टा ये वाला आइटम वाइटम जो भी है वो वाला, अगर आ गई बुकिंग तो ठीक है, नहीं तो भैया घर ही निकलना पड़ेगा, कोई काम वाम नहीं, सारी जो कमाया वो पेट्रोल में लगाया और कुछ नहीं है, फ्री सेवा हो गई एक तरीके से। चलो भाई चलते हैं, निकलते हैं और देखते हैं भाई कैसा आगे का सीन होने वाला है, तबीयत भी अभी थोड़ी ऐसे ही है, मुझे लगता है आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जानी चाहिए और कल से मैदान में उतरेंगे भाई मेहनत के साथ में, सिस्टम फाड़ देना है कल से कोटर के अंदर। भाई बाहर मार्केट में काम नहीं है और यहाँ देखो जाम नहीं, सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये भाई किस कदर जाम है देख रहा, भाई पूरा ऊपर तक देखोगे पूरा पैक है, मतलब यार क्या देखो यार, बाहर मार्केट में कोई दिख नहीं रहा सुनसान, और यहाँ भाई देवली से अंदर एंटर होते ही देखो पूरा पैक है अंदर जाने के लिए, पूरे में देखो जाम ही जाम है, मतलब कैसे भीड़, भाई कहाँ जा रहे हो सब, बाहर काम वाम नहीं है भाई, मत जाओ घर रहो अपने, ये बताओ यार कहाँ जा रहे हैं ये इतनी उसमें, तो हम खाली आ रहे तुम क्या करने जा रहे हो, देख लो भाई घर जाने के लिए भी इतनी मुसीबत है, देख रहे हो। मैं जा रहा हूँ भाई मैकेनिक पे और मैं बैटरी का चेकअप कराता हूँ इसकी, किक मारते थक गया यार मैं भी यार, कब तक किक मारो जाऊँ बाइक के अंदर, दिखाता हूँ यार क्या बैटरी का सीन है सेल्फ का है कुछ तो होगा। भाई मैकेनिक पे पहुँच गया हूँ अपने, अब यहाँ से बैटरी निकालता हूँ इसकी और फिर लेके जाता हूँ वारंटी वाले के पास, जगह तो बचाई ना रखी, तो भाई इसको फटाफट बैटरी पे, अब गर्म हो रहा है बहुत, रिपेयर करते हैं इसे, बैटरी निकाल के मकैनिक को दे दी है, मकैनिक को कह रहा हूँ मतलब कि जहाँ से ली थी गारंटी में बोला 4 दिन बाद मिलेगी, तो 4 दिन तक अब इसे हमें ऐसे ही अंधी बाइक को चलाना पड़ेगा, मतलब किक मार के ओए अभी मजे लेगी, ओए हो गई स्टार्ट, अब ऐसी चलेगी हमारी बाइक 4 दिन तक। अब ये तो नहीं रहेगा सेल्फ में, तुम्हें बैठना है क्या, बैठो भाई हवा कम थी, चलो बैठो बेटा टायर ही तो फटेगा, चलो भाई अब निकलते सीधा घर। ओ रे बाबा रे, अरे बहन की आँख इसकी हवा कम है पिछले टायर में इसलिए लुला रही है, चलो भाई निकलते हैं अपना घर। ये देखो क्या महल है, ये हमारी जिम ऊपर, ये रही जिम, जिम भी दिखा दी भाई, ख़त्म, देखो आवाज़ भी गई इसकी, सब कुछ इसकी सांस वांस सब गई। वो बैग तेरे पास है, ठीक है भाई, मीटर की रीडिंग क्या देखनी है, 25,337 से लिए, टाइम की ऐसी की तैसी, टाइम तो वैसे ही ख़राब है ज़िंदगी हमारा, ये टाइम देखो 6:14। दोस्तों मुझे क्या लगता है ना कि तबीयत ख़राब में काम करना ठीक नहीं है, अभी अगर मेरी आवाज़ सुनोगे आप तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी हो गई है, मतलब यार दिन पे दिन कुछ ना कुछ और हो रहा जा रहा है, मतलब जैसे खांसी के साथ में गले में दुखन वगैरह तो मुझे ये लगता है कि अब मुझे 2 दिन का रेस्ट करना पड़ेगा, दवाई लेकर आराम करना पड़ेगा, तभी जाके मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी, नहीं तो ये दवाई खाकर फील्ड में काम करना वही पूरे दिन मत्था पीछी करना ये ठीक नहीं है, और मेरे को भी नहीं लग रहा यार ऐसे ठीक होगी कि मतलब दवाई खाओ और काम पे निकल जाओ, काम भी नहीं हो रहा, मतलब कि फील्ड में जाओ तो काम भी नहीं हो रहा उतना, तो अब मुझे लगता है कि 2 दिन का रेस्ट मुझे लेना पड़ेगा, फिर जाकर भाई तबीयत बिल्कुल इक्वल होगी ठीक होगी, तभी जाके मुझे काम करना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है मेरी तबीयत दिन पे दिन और ज़्यादा ख़राब हो जाए और मुझे फिर ज़्यादा रेस्ट लेना पड़े, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। आज की अगर बात करूँ तो यार वही 350 रुपये के समथिंग का काम हुआ था, पेट्रोल निकाल लो तो लगभग 200 रुपये ही बचे, जिसमें मैंने सुबह 11 बजे निकला था और लगभग रात के 6 बजे के समथिंग आ गया, बैटरी दे के आ गया वो मैकेनिक को, अभी तो मेरा स्पीकर ही खराब हो रखा है यार, क्या बताऊँ मैं, मतलब कि मजाक भी नहीं कर सकता, मैं तो खुद मजाक बन के रह गया हूँ यार,
तो मैं यार खींच ही नहीं रहा वीडियो को, ज्यादा बातें मैं कर ही नहीं रहा कि अब यार मुझे दो दिन का रेस्ट लेना पड़ेगा, दो दिन तक वीडियो नहीं आएगी, उसके बाद में कंटिन्यू हो जाएगी। और पहले भाई अपने अपना ध्यान रखना यार, कि काम तो होता रहेगा जिंदगी भर। तो यार माफी चाहता हूँ मैं कि यार दो दिन का गैप लेना पड़ेगा। अब तुम हालात भी मेरे देख सकते हो कितने ज्यादा खराब हो गए, जब तक मुझे लग रहा था कि नहीं मैं कर सकता हूँ तो मैंने किया, बट अब लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, दिन पे दिन खराब होती जा रही है, तो फिर मेरे को रेस्ट करना पड़ेगा। तो बाकी यार वीडियो में ज्यादा से ज्यादा प्यार बनाए रखना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए लगातार वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और मैं भी अपना ख्याल रखता हूँ, ताकि जल्द से जल्द ठीक होके आप लोगों के बीच फिर से दोबारा कंटिन्यू मिलूं।